माननीय चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का जो आया है 16 तारीख से नया वेरियंट के साथ, इसमें हम लोगों को CSR के द्वारा और BGP सर के द्वारा हम लोगों को BC के माध्यम से बताया गया था कैसे लागू करना है, क्या करना है। तो इसमें बेसिकली हम लोगों का जो है पिछले कोरोना वेव वन में हम लोग जो चालू किए थे वो सब चेक पोस्ट पूरा चालू नहीं है, लेकिन कुछ चेक पोस्ट अब तक पुराना उसी समय से आ रही है, वर्किंग कंडीशन में है। तो हम लोग पुनः कल हम लोग पूरा जिला लेवल पे इसमें DC SSP और सभी इंसिडेंट कमांडर CO VDO अपने सीनियर पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी सभी के साथ हम लोग कल जूम में मीटिंग किए थे और आज भी मैं अपने पदाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी के साथ मीटिंग किए हैं। तो हम लोग अभी जो पिछले साल हमारे पास चालू था वो 13 जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट जो चिपकाड़ है वो कल सुबह 6 बजे से चालू रहेगी। और इसके अलावा हम लोग को शहर के अंदर जो 20 जगह पर था वो 20 जगह पे हम लोग चेक पोस्ट लेके आने के लिए बार फुटिंग में हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें काफ़ी सारा जो निर्देश प्राप्त है वो सभी आप लोग को वाकिफ भी होंगे और काफ़ी सारा पब्लिक इसमें हम लोग से डाउट भी पूछ रहे हैं, हम लोग उनको 1-to-1 भी उनको ये करा रहे हैं, अवगत करा रहे हैं कि क्या इस चीज़ में कैसे मतलब लागू रहेगा। और ये 27 तारीख तक काफ़ी सारा चीज़ों में इसमें मतलब कि जो रेस्ट्रिक्शन पाई गई है आ रहे हैं। तो जैसे 2 बजे तक जो दुकान खुल सकता है वो तो दुकान में काम करने वाले हैं दुकान के मालिक वो 3 बजे तक अपना बाहर जा सकते हैं और अपना घर जा सकते हैं। 3 बजे के बाद यदि किसी बिना पर्पस का लाइटनिंग करेंगे घूमते रहेंगे तो उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। और दूसरा है कि जो ई पास सिस्टम है वो पूरा स्टेट में इंट्रा स्टेट जो मूवमेंट है कमर्शियल व्हीकल का उसमें पास का ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज कोई भी पर्सनल व्हीकल किसी भी कारण से इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट हो या इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट हो उनका मतलब ई पास लेना जरूरी है। तो हम लोग ई पास वगैरह भी चेक करना शुरू करेंगे कल से और ई पास के लिए जो वेबसाइट दिया गया है उसमें जाके अप्लाई करने में उनको ई पास मिल जाएगा। DTO जमशेदपुर इसी में काम कर रहे हैं और कोई भी आदमी यदि मेडिकल पर्पज़ के लिए जाएंगे या लास्ट ट्रेड करने के लिए जाएंगे तो उन लोगों के लिए ई पास का ज़रूरत नहीं है। और इसमें हम लोग सभी को सेंसिटाइज करा रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स लोगों को जवानों को मैजिस्ट्रेट को कि पहचान कैसे करेंगे यदि सही में वो मेडिसिन लेने के लिए जा रहे हैं या मेडिसिन झूठ बोल के मेडिसिन ले रहे हैं करके झूठ बोल के इधर उधर घूम रहे हैं। तो हम लोग हर जगह पे जो उसका चेक पोस्ट बना रहे हैं उसमें हम लोग उसको वेरीफाई भी कराएंगे। और हम लोग पुलिस को यही दिए हैं यही मतलब कि हम लोग डायरेक्शन दिए हैं कि इनका इसका ट्रू स्पिरिट ये है कि हम लोग को मूवमेंट को बिल्कुल अननेसेसरी मूवमेंट को बिल्कुल बंद करना है और जो वायरस का संक्रमण का जो चेन है उसको तोड़ना है। और ये हम लोग जमशेदपुर पुलिस जो है काफ़ी कड़ी कदम उठाएगी इसको लागू करने के लिए क्योंकि इस बार पुलिस के ऊपर बहुत सारा रिस्पांसिबिलिटी है ये लॉकडाउन को हम लोग को 100% इसको सक्सेसफुल करने के लिए। और सेम समय में हम लोग मानवीय रूप में देखेंगे कि जैसे सही में कोई बंदे जो है किसी काम के लिए जा रहे हैं तो उनको परेशानी या उनको हरासमेंट जो है बिल्कुल कम करें, इस चीज़ को हम लोग बार बार जो है इसमें ब्रीफिंग करके हम लोग फोर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। इसमें आदेश में स्पष्ट है कि आपका ही जो कमर्शियल ई साइट्स है जो कमर्शियल आपका अमेजान हो गया फ्लिपकार्ट हो गया ये 2 बजे तक सामान डिलीवरी भी कर सकते हैं, 2 बजे तक किसी घर से या दुकान से सामान उठ भी सकते हैं। कुरियर है इसमें आप 24 घंटे के लिए दिया हुआ परमिशन कुरियर सर्विसेज रह सकता है। और जो खाना है वो आपका कोई प्रतिबंधित नहीं है, होटल आप खोल सकते हैं और उसका जो लिमिटेड टाइम है उस समय में, लेकिन डाइनिंग अलाउ नहीं करेंगे और खाना पैक करके ले जा सकते हैं जैसे Zomato हो गया स्विगी हो गया। लेकिन इनके पास बंदे जो मूवमेंट करते हैं उनके पास प्रॉपर आधार आईडी कार्ड होना चाहिए। यदि उनके जो एम्प्लॉयर है जैसे कुछ फैक्ट्रीज में हम लोग ये मान रहे हैं कि टाटा मोटर्स और टेल्को में ई पास की जरूरत नहीं है जो काम कर रहे हैं शिफ्ट बेसिस पे वो लोग अपना वर्कर आईडी को हम लोग ई पास मानेंगे, हम लोग को डिसाइड किए क्योंकि बहुत सारा लोग हैं करीब 40,000 का लोग हैं ई पास करने में सिस्टम को प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन लोगों को जो वर्किंग लिमिट वर्किंग जो पास है शिफ्ट का जो पास है वो पास हम लोग उनको वर्किंग पास मानेंगे। सेम समय में जो यदि कोई दुकान चला रहे हैं स्वीट स्टॉल चला रहे हैं या कोई ग्रासरी दुकान खोल रहे हैं तो उनका आपको प्रूफ करने के लिए यदि उनके पास लाइसेंस होगा ट्रेडर लाइसेंस होगा तो लाइसेंस दिखा सकते हैं यदि या नहीं तो फिर उनका जो दुकान का मालिक है वहाँ जो काम करने वाला आदमी है उनको उन्होंने सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं कि ये बंदा जो है हमारे साथ काम करते हैं तो उनको आधार कार्ड के साथ वो सर्टिफिकेट भी करेंगे तो हम लोग चेक करके उनको भी छोड़ेंगे तो उनको विधिवत हम लोग फाइन भी लगाएंगे और केस भी दर्ज करेंगे सर। उनके लिए जो पहले से है बिना मास्क जो जा रहे हैं उनके लिए हम लोगों का 500 का जुर्माना करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन करने पे हम लोग 500 रुपये का जुर्माना वसूलेंगे। और जो नया में अभी बिना किसी पर्पज़ का घूम रहे हैं तो सीधे हम लोग उनके ऊपर केस दर्ज करेंगे, केस दर्ज कराकर करेंगे।
इंटर स्टेट हम लोगों का जो चेक पोस्ट है, ये हम लोगों के साथ जो झाड़ग्राम जिला है बंगाल का उनके साथ, और मयूरभंज जिला है उनके साथ झमसोला बॉर्डर में, और पुरुलिया के साथ हमारा बॉर्डर में कटिंग में, और मयूरभंज जिला के साथ हमारा जो है किलिंग, और इस एरिया में हम लोगों का इंटर स्टेट बॉर्डर है। और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे हम लोगों का सरायकेला के साथ है, उसमें ये आदित्यपुर हो गया, दो महानी ब्रिज हो गया, न्यू कदमा ब्रिज हो गया और पार्डी हो गया, इस जगह पे हम लोग को इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर पे हम लोग को 24 घंटे हम लोग चेक नाका चालू कर रहे हैं, कल सुबह से 3 शिफ्ट में काम करेंगे। हर शिफ्ट में एक मजिस्ट्रेट मिलेंगे आपको, एक पुलिस ऑफिसर मिलेंगे और पर्याप्त मात्रा में आपको जवान मिलेंगे, और हर 8 घंटे में ये लोग शिफ्ट चेंज करेंगे। और जो भी बाहर से आने वाला है उनका ये जो अभी आदेश आया है इसमें सब ब्रीफिंग किया है कि उनका ई पास चेक करना है, और किसी भी गुड्स व्हीकल है, ऑप्शन लोडेड ट्रक है, इसी को कोई हम लोगों का पास का जरूरत नहीं है, कमर्शियल व्हीकल का पास का जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी पर्सनल व्हीकल यदि जिला के अंदर मूव करेगी तो उनका पास चेक किया जाएगा, और यदि जिला से बाहर किसी काम के लिए जा रहे हैं तो वो भी हम लोग चेक करेंगे कि ये उनके पास रेलवे टिकट है या फ्लाइट टिकट है, किस कारण के लिए बाहर जा रहे हैं, ये चीज़ ब्रीफ किया गया है। इसके अलावा जो भी बंदा आते हैं रैंडमली हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट से हम लोग टेस्टिंग भी करा रहे हैं, यदि कोई उसमें प्रूफ पाए जाते हैं, पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेशन सेंटर लेके जाएंगे, यदि पॉजिटिव नहीं पाए जाते हैं तो उनका हम लोग रजिस्टर कराते हैं, व्हीकल का नंबर और पैसेंजर का नाम, कितने पैसेंजर जा रहे हैं और उनका मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर, ताकि उनको 7 दिन तक अनिवार्य क्वारंटाइन में रहना होगा जमशेदपुर के अंदर अपने घर पर। तो वो हम लोग एक दो दिन बाद फ़ोन करके अपने माध्यम से, जो भी माध्यम है अपने माध्यम से उनको चेक कराएंगे। यदि वो कोई खड़गपुर से अपना पटना जा रहे हैं तो बारागोड़ा पोस्ट में आएंगे तो ये भी पूछा जाएगा कि उनको गाड़ी नंबर, पैसेंजर नंबर, मोबाइल नंबर नोट करके उनको हम लोग छोड़ देंगे, वो सीधे अपना दूसरा डिस्ट्रिक्ट गुजर के रांची जाके वो अपना पटना कहीं भी जा सकते हैं। बीच में हम लोग 2 या 3 दिन बाद एक बार जरूर चेक करेंगे कि ये बंदे जो है झूठ बोल के तो अंदर तो नहीं रह रहे हैं, वो भी हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि पिछले बार हम लोग को मिला था कि बाहर जा रहे हैं करके बोल के, लेकिन जमशेदपुर में वो लोग पाए गए थे तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई किए, उसी को भी हम लोग इंश्योर कराए। लोगों को मेरा जो पूर्व सिंहभूम समस्त वासियों को मेरे तरफ से जो अपील है कि अभी कोरोना जो संक्रमण है काफ़ी सेकेंड वेव काफ़ी आक्रोशित ये चल रही है और इसका इन्फेक्शन रेट है काफ़ी ज़्यादा है, तुरंत इन्फेक्शन हो जाते हैं हम लोग, तो इसमें जो माननीय सीएम और माननीय झारखंड सरकार का द्वारा ये जो नया जो गाइडलाइंस आया है, नया जो रेस्ट्रिक्शंस आया है 11 दिन के लिए, कल से लागू होकर 27 दिन तक, इसको 100% अपना पालन करें। यदि पहले आपने घर से सब्जी लेने के लिए हफ्ता में 3 बार 4 बार निकलते हैं तो अभी मत निकलिए, एक ही बार लेके जाइए सब्जी और जो भी सामान ग्रॉसरी एक ही बार ले जाइए, क्योंकि हर कदम में आपसे पुलिस आपने पूछेगा, अपने आइडेंटिटी देने के लिए अपना जरूर पूछेगा, आपके पास ई पास होना चाहिए, तभी आप अननेसेसरी इवन विद इन डिस्ट्रिक्ट भी आप मूवमेंट कर सकेंगे। और बाहर जो जिला जाना है या बाहर से किसी को बुलाना है उसको अभी तत्काल बंद करवाएं ताकि हम लोग सब सुरक्षित रहें, चेन संक्रमण का चेन है वो तोड़ें, फिर उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ कर सकते हैं।